केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। दो चार दिन से अचानक एकाएक बढ़ते ठंड के साथ कनकनी को लेकर चौक चौराहे पर अलाव जलाने की मांग ग्रामीणों ने महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह व जिला प्रशासन से की है। बता दें कि एकाएक तेजी से ठंड बढ़ जाने के कारण हनवारा क्षेत्र में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। हवा के साथ साथ कनकनी भी बढ़ गई है। दिन में तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है तो रात में तापमान गिरकर 10-12 डिग्री तक पहुंच जाती है। ठिठुरते हुए ठंड से चलते मुसाफिर, गरीब गुरुए तथा सवारी टेम्पो का इंतजार करते वाले मुसाफिर का बुरा हाल हो रहा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग जुगाड़ लगाकर अलाव से आग तापकर ठंड के प्रकोप से बचने के फिराक में लग गए हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी स्तर पर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। अलाव की व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय बाजार सहित हनवारा हाट चौक, मिल्की चौक, इमली बांध, शहजादपुर हाट चौक, परसा चौक, अंजना चौक आदि चौक चौराहे पर राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरी करने वाले लोगों के बीच देखा गया है। वह लोग बार बार खरपतवार जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। कई दिनों से ठंड इतना बढ़ गया है कि लोग इससे बचाव करने की तरह तरह हथकंडे अपना रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरी करने वाले लोगों के बीच में देखा जा रहा है। वह लोग बार बार खरपतवार जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। दो चार दिन से ठंड इतना बढ़ गया है कि लोग इससे बचाव करने की तरह तरह हथकंडे अपना रहे हैं और राहत भी नहीं मिल रही है। वही क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन से अविलंब गाड़ी स्टैंड, चौक चौराहे सहित अन्य जगहों पर अलाव लगाने की मांग कर रहे हैं। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।